नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मैं यहां तो वहां जिंदगी है कहा, बागबान फिल्म का ये गीत आज कई परिवारों पर सटीक बैठ रहा है। कोई बेटा अपनी माँ से दूर है तो कोई पति पत्नी के मिलने से लॉकडाउन की दीवार रोक रही है। कई ऐसे परिवार है जो आज अपने परिवार से मिलने के लिए परेशान है। लॉकडाउन के दौरान कितने लोग अपने परिवार से मिलने के लिए पैदल ही चल के अपने अपने गांव जा रहे हैं। इस बीच मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक टेम्पो ने 7 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 मजदूर की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मजदूर लॉकडाउन के दौरान गृह राज्य जा रहे थे। अपने घर लौट रहे इन मजदूरों को गुजरात में एंट्री के वक्त रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। वापस लौटते वक्त विरार के पास टेम्पो ने इन्हें कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक जो 7 मजदूर हादसे का शिकार हुए, वो सभी मुंबई से गुजरात पैदल चलकर जा रहे थे। ये सभी मजदूर शुक्रवार दोपहर मुंबई से गुजरात जाने के लिए निकले थे। फिलहाल पालघर के SP गौरव सिंह के मुताबिक टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि टेम्पो में मेडिकल से जुड़ा सामान था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए देश भर में लागू किए गए 21 दिनों के लॉकडाउन में देश भर के मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।